हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषि गुप्ता और आज मैं आप लोगों के साथ एक और थ्रोबैक टॉक करने वाला हूं, जिसमें हम लोग बातें करते हैं मूवीज जो थोड़ी पुरानी होती है बट जिन्हें आज भी देखने में बहुत मजा आता है। सो गाइस, आज मैं जिस मूवी की बात करने वाला हूं उसका नाम है वेकअप सिड। सो आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है या नहीं, बट वेकअप सिड ये मूवी 2009 में आई थी और इसे डायरेक्ट किया था अयान मुखर्जी ने। ही इज द सेम डायरेक्टर जिन्होंने ये जवानी है दीवानी को भी डायरेक्ट किया था, और अगेन वो मूवी भी मुझे बहुत पसंद है जिसकी थ्रोबैक टॉक मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। सो गाइस, वेकअप सिड ऑन पेपर एक बहुत ही सिंपल स्टोरी है, एक कमिंग ऑफ एज क्लीशेड स्टोरी जिसे हम लोग कहते हैं, जहां पे एक यंग कैरेक्टर होता है जो एमलेस होता है, जिसे पता नहीं होता लाइफ में क्या करना है, और अल्टीमेटली ओवर द कोर्स ऑफ द मूवी वो फिगर आउट करता है उसे क्या करना है और यू नो उस चीज में काइंड ऑफ सक्सेसफुल हो जाता है। सो ये एक ऑन पेपर स्टोरी है, बट जिस तरीके से इस स्टोरी को एग्जीक्यूट किया गया है ये बहुत ही सुंदर है। सो आयान मुखर्जी को बहुत क्रेडिट जाता है, ये मूवी जो भी है आई थिंक उसमें मतलब जितनी भी अच्छी है उसमें आयान मुखर्जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो अगर मैं इसे देखूं तो इस मूवी के तीन पिलर्स हैं, यू नो जिसकी वजह से मुझे लगता है ये मूवी देखने में बहुत मजा आती है, बहुत ही एंजॉयबल वॉच है। यू नो आपको काइंड ऑफ एक स्टोरी अपने फ्लो में ले जाती है एंड यू आर जस्ट यू नो वॉचिंग इट कैजुअली, कूलली, कामली एंड एंजॉयिंग इट अलॉट, यू नो। सो वो जो जो स्टोरी को ये फ्लो दिया है उसके आई थिंक तीन कारण हैं। एक है डेफिनेटली डायरेक्टर आयान मुखर्जी और जो स्टोरी इसमें बताई गई है। सेकंड है डेफिनेटली जो लीड कैरेक्टर्स है, रणबीर कपूर ने जो कैरेक्टर प्ले किया है सिड का, और कोंकणा सेन शर्मा ने आयशा का बहुत 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 ही अच्छा रोल निभाया है, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू देम ऑल्सो। और तीसरा है अ सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि जब हम कोई मूवी देखते हैं और हम उस मूवी में जो हो रहा है उससे उन चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं तो हमें वो मूवी देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। सो ऑल ऑफ अस एट सम पॉइंट इन टाइम, हम लोग भी यंग रहे हैं, हम लोग भी यू नो काइंड ऑफ कंफ्यूज रहे हैं कि लाइफ में क्या करना है। सो वो एक फेज जो है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं सिड के कैरेक्टर के साथ, यू नो जो एग्जाम में फेल भी हो गया है, और अगेन जो फेलियर वाला पार्ट है मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। सो आई डोंट नो आप लोग हुए या नहीं, बट मैं डेफिनेटली एग्जाम में फेल हो चुका हूँ एक बार। सो जब मैं एग्जाम में फेल हुआ था तो इट वॉज वेरी सिमिलर टू वॉट वॉज बीन शोन ऑन द स्क्रीन। जैसे जिस तरीके से जाके आप अपना नाम चेक करते हैं, अभी तो ऑनलाइन हो गया बट पहले हम लोग शीट में आके नाम चेक किया करते थे, और आप अपने फ्रेंड्स को देखते थे कि सब लोग पास हो गए और आपका नाम के सामने एक सब्जेक्ट में एफ आ गया है, तो आपको क्या फीलिंग आती है आपके अंदर से, वो बहुत ही एक्यूरेटली पोर्ट्रे किया गया है मूवी में, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन्स आई रियली लाइक द मूवी। प्रॉब्ली मेरा एक पर्सनल बॉन्ड है मूवी के साथ। सो वो होने के बाद कैसा फील होता है आपको, आप कितना डिजेक्टेड फील करते हैं, कितना डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, फिर आप घर में जाते हैं, आपको मम्मी काइंड ऑफ डांटती है और कंसोल भी करती है, बट फिर पापा आते हैं और आपको बहुत डांटते हैं। सो ये जो सारी चीजें हैं मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट हर इंडियन घर की कहानी है, यू नो जहाँ पे अगर आपको फेलियर होता है तो किस तरीके से आपके पेरेंट, किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से आपके पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं, जो काफी सिमिलर है मुझे लगता है। तो वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बाद में जो स्टोरी जिस तरीके से आगे फ्लो होती है, ये काइंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द मूवी है, जहाँ पे यू नो अगेन सिड बहुत ही अमीर घर से है, उसके बाद बहुत पैसा है, वो बहुत मजे करता है, बहुत ही एग्जैगरेट नहीं किया गया है इसको, मतलब कई बार हम लोग एक जो स्पॉइल्ड ब्रैट इमेज है उसको बहुत एग्जैगरेट करके बताया जाता है, यू नो कि घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, यू नो इन्वॉल्व विद सेवरल गर्ल्स, एंड ये सारी जितनी भी आप नेगेटिव चीजें कोई कैरेक्टर से एसोसिएट कर सकते हैं वो नॉर्मली स्पॉइल्ड ब्रैट इमेज के साथ जोड़ दी जाती है, जो इसमें नहीं किया गया। मुझे ये बात थोड़ी अच्छी लगी मूवी के बारे में कि एग्जैगरेट नहीं किया गया, इट्स जस्ट अ कैरेक्टर, इट्स जस्ट अ गाय हु इज नॉट प्रॉब्ली इंटरेस्टेड और गुड एट स्टडीज, हु जस्ट वॉन्ट्स टू टेक इट ईजी। सो ही इज नॉट अ बैड गाय पर से, बट ही इज जस्ट अ गाय हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। ये पोर्ट्रेयल मुझे अच्छा लगा जो फर्स्ट हाफ में मूवी का था, और जो फेल होने के बाद अब अगेन फर्स्ट हाफ में ही सिड के कैरेक्टर को आयशा का कैरेक्टर मिल जाता है। आयशा जो एक कोलकाता से बहुत ही इंडिपेंडेंट स्ट्रांग लड़की है जो अभी मुंबई मूव इन हुई है, और बाई चांस ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत ही सिंपल और स्वीट बॉन्ड दोनों के बीच में बनता है, और मुझे ये बॉन्ड बहुत अच्छा लगा। द रीजन बीइंग कि इसे ओवरटली
रोमांटिसाइज नहीं किया गया है, इन द सेंस कि इसको डायरेक्टली सेक्सुअल या रोमांटिक टोन नहीं दिया गया है इस रिलेशनशिप को. नॉर्मली जहाँ पे भी लड़का लड़की मिलते हैं और बॉन्ड होता है, इमीडिएटली वो स्विच हो जाता है टुवर्ड्स यू नो मे बी रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर ऑकवर्ड सिचुएशंस या ऑल ऑफ दैट स्टफ, यू नो मे बी अ सेक्सुअल टेंशन बिटवीन दोज कैरेक्टर्स. ये इस मूवी में नहीं किया गया है. अगेन दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लाइक्ड अबाउट द मूवी. सो ये जब दोनों कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं और उसके बाद में जब ऑब्वियसली सिट फेल हो जाता है, उसके पापा के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और वो घर छोड़ के चला जाता है, तो वो आयशा से पूछता है कि अब उसके घर पे रह सकता है, जो मुझे थोड़ा ऑड लगा क्योंकि आयशा रिलेटिवली नई फ्रेंड थी उसकी और उसके पुराने काफी दोस्त थे जिससे काइंड ऑफ वो डिस्टेंट हो गया था, बट स्टिल वो आयशा को चूज करता है. बट मे बी बिकॉज शी इज लिविंग अलोन एंड शी इज इंडिपेंडेंट एंड शी इज हेल्पफुल एंड शी इज यू नो अ नाइस पर्सन. सो वो जब आयशा के यहाँ मूव होता है तो वो जो दोनों के रिलेशनशिप के बीच में डायनामिक है और जो एक बॉन्ड है वो बहुत अच्छा है. यू नो अगेन इसको मैं उस तरीके से देखता हूँ कि जो बॉन्ड है इसको एक फ्रेंडशिप के मिरर या फ्रेंडशिप के प्रिज्म के थ्रू ही दिखाया गया है. देर आर लॉट ऑफ शेड्स टू दिस रिलेशनशिप बिटवीन आयशा एंड सिड, बट इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. यू नो इट्स नॉट ऑकवर्ड, इट्स नॉट ऑड इन एनी सेंस. सो द वे आई अगेन दोनों कैरेक्टर्स एक्सट्रीमली ऑपोजिट है. आयशा इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फोकस्ड करियर ओरिएंटेड पर्सन, यू नो वेरी क्लीन, वेरी नीट, वेरी वेरी यू नो सेल्फ डिपेंडेंट. And on the other hand, this Sid character is totally a man-child, probably 21 or 22 years in age and has absolutely no sense of responsibility, no sense of cleanliness. Usko even, you know, apne liye breakfast par main anda banana bhi nahi aata hai. Toh is had tak wo character, you know, irresponsible hai. Toh ab ye jo do characters saath mein rehne lagte hain aur unke beech mein jo interactions hote hain, unke beech mein jo back and forth hota hai, jahan pe, you know, Aisha bahut gussa bhi karti hai Sid ke liye, but at the same time, they really you know grow to care for one another, they become fond of one another. तो वो एक relationship बहुत जो growth है, जो एक arc है, वो बहुत अच्छा बनाया गया है. you know जहाँ पे आयशा को एक job मिल जाता है, एक उसका एक kind of dream job है जहाँ पे वो writer बनने की कोशिश कर रही है, वहीं पे फिर Sid को एक internship मिल जाती है जहाँ पे वो kind of उसको अपना एक passion मिल गया है जो उसे अपने family business में नहीं मिला था, और अब वो kind of उसमें कोशिश कर रहा है, अपनी जान लगा रहा है कि you know कुछ successfully कर सके, and at the same time वो इस फ्रेंड नई फ्रेंडशिप को भी हैंडल करने की कोशिश कर रहा है. गाइस वेरी ब्यूटीफुली डन. यू नो मैं स्पेशली यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, ऑब्वियसली रणबीर कपूर ने तो बहुत अच्छा रोल किया ही है, बट कोंकणा सेन शर्मा को, उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है. मतलब हर आईज, इफ यू लुक द एंटायर मूवी, हर आईज डू सो मच ऑफ द टॉकिंग. यू नो द वे शी यू नो एक्सप्रेसेस हर ऑकवर्डनेस विथ हर आईज, द वे शी एक्सप्रेसेस हर एम्बैरेसमेंट विथ हर आईज, द वे शी एक्सप्रेसेस हर सेंस ऑफ एप्रिसिएशन विथ हर आईज. Her eyes are extremely expressive, you know, towards the later part of the movie, the way she looks at Ranbir Kapoor, you know, the way the fondness in her eyes clearly indicates she has fallen for, you know, Sid or Ranbir Kapoor's character. So, very beautifully done. I am really a big fan of Konkana Sen Sharma. I have not watched a lot of her work, but jitna bhi maine dekha hai, mujhe bahut pasand aaya hai. So again, definitely shout out to Konkana Sen Sharma for her brilliant acting skills. Iske alawa, again, gaane bahut achhe hain. Isme especially jo Ek Tara gaana hai, wo bahut hi beautiful hai. At any time aap sune, maza aa jati hai. एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी वो है जो मुंबई का पोर्ट्रेयल है. मुंबई में मैं कुछ दिन रहा हूँ, मुझे मुंबई एज अ सिटी बहुत ही अमेजिंग लगती है. यू नो एक जो सिटी ऑफ ड्रीम्स वाला जो लोग कहते हैं वो एक्चुअली में लगती है. वहाँ पे आप जाते हैं तो एक सेंस ऑफ वाइब्रेंसी है, एक सेंस ऑफ यू नो ओल्ड मीटिंग द न्यू है, जहाँ पे स्काई स्क्रेपर्स नए नए बनाए गए हैं, दूसरी जगह पे एक ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स है जहाँ पे आप कल्चर आर्ट रिलेटेड चीज़ें पा सकते हैं, जहाँ पे आप स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें पा सकते हैं. Everything that you can imagine that might give personality to a city is absolutely there. तो जो मरीन ड्राइव के शॉट्स हैं, जो यू नो आइकॉनिक मुंबई शॉट्स जिसे हम कहते हैं, वो इस मूवी में बहुत ही अच्छे दिखाए गए. एंड आई पर्सनली लव दैट दे हैव कैप्चर्ड द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटी इन द मूवी. यू नो
बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके, और अगेन जो सपोर्टिंग स्टार कास्ट है वो भी बहुत अच्छा है, यू नो, अगेन अनुपम खेर ने बहुत ही अच्छा रोल किया है एज अ स्ट्रिक्ट फादर, एंड अगेन जो रणबीर कपूर की मदर का रोल, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द एक्ट्रेस, आई एम रियली सॉरी, बट जो रिलेशनशिप सिड और उनकी मदर के बीच में रहता है वो भी बहुत सुंदरता से दिखाया गया, एंड द वे दे कम टू टर्म्स, और रादर सिड कम टू टर्म्स विथ यू नो हाउ मच हर मदर, हिज मदर हैज डन फॉर हिम, सो वो भी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें। सो ऑल इन ऑल द स्टोरी इज एक्सट्रीमली वेल टोल्ड, इफ आई मे से सो, वेल डायरेक्टेड, द एक्टर्स हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब, एंड इट्स अ वेरी स्वीट टेल दैट यू कैन वॉच यू नो एनी टाइम, इट्स अ वेरी ईजी एंड सूदिंग वॉच। सो गाइज अगेन मैं ऐसा डेफिनेटली नहीं कहूँगा कि एक आइकॉनिक मूवी है, बट ये एक बहुत ही स्वीट मूवी है, और जिसे आप कभी भी यू नो लगाएंगे तो आपको एक प्लेजेंट फीलिंग आएंगे, इट विल लीव अ स्वीट टेस्ट इन योर माउथ। So guys, yeah, that was my throwback talk on Wake Up Sid. आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताइए, और अगर और throwback talk देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे काफी सारी मूवीज की throwback talks आपको मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।